हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों स्मार्ट वॉच की दुनिया में एक और ब्रांड ने कदम रख दिया है और इसका नाम है जेनिक्स और इनके दो मॉडल लॉन्च हुए हैं एक तो है पिक्सी जो कि मेरे पास है और ये अफोर्डेबल कॉलिंग वॉच है बाकी इनका दूसरा मॉडल है डिजिट मैक्स जो कि एमलेट कॉलिंग वॉच है और आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है और आप लोगों को पता है कि जितनी स्मार्ट वॉच की ब्रांड्स बढ़ेंगी उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा और लास्ट में कंज्यूमर का फायदा होने वाला है आप लोगों को याद होगा कि पहले 5000 में भी कॉलिंग वॉश नहीं मिलती थी बट अभी आप लोगों को 2000 के अंदर में भी कॉलिंग वॉश मिल जाती है तो यही फ़ायदा है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स आने चाहिए और कंपटीशन बढ़ना चाहिए तो देखते हैं कि वॉच कैसी है क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हो वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर ब्रांड का नाम लिखा हुआ मिल जाता है और इसका नाम है पिक्सी बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी फीचर्स मैंशन किए हुए मिल जाते हैं और सभी चीज़ों के बारे में बॉक्स पे ही लिखा हुआ मिल जाता है आपको यहाँ पर क्यू कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप अप अपलीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बाकी इस तरह से सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको एक्चुअल बॉक्स मिल जाता है बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वॉश रखी हुई मिल जाती है उसके बाद एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और यूज़र मैनुअल दी गई है बाकी उसके बाद यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाता है और क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं बाकी आते हैं वॉश की तरफ तो देख सकते हैं लुक वाइज वॉच काफ़ी अच्छी लग रही है अब इसको ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं और पेयर करना काफ़ी इजी है एप्लीकेशन को ओपन करना है उसके बाद जाना है एड डिवाइस पे और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी बाकी अगर आपको कॉलिंग फीचर यूज़ करना है तो आपको जाना पड़ेगा ब्लूटूथ सेटिंग में और वहां से भी वॉच को पेयर करना पड़ेगा तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज़ कर पाएंगे तो ये रही वॉच और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी हद तक एप्पल वॉच से मिलती जुलती है यहाँ पर राइट साइड में आपको काफ़ी बड़ी सी करंट बटन मिलती है जो कि वर्क करने वाली है और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज्यादा सॉलिड है इसकी तो लुक वाइज वॉच काफी अच्छी लगती है और इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो ये पतली रिस्ट वालों के लिए नहीं है जिनकी मीडियम साइज की रिस्ट है या फिर बड़ी रिस्ट है दोनों पे काफ़ी मस्त लगने वाली है तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो साइड के फ्रेम मिलते हैं वो मेटल के दिए गए हैं और बैक साइड की बॉडी प्लास्टिक की मिल जाती है तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है और स्ट्राइप की बात करें तो यहाँ पर ट्वेंटी टू एम का काफी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्राइप भी मिल जाता है जो कि सॉफ्ट है और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको कोई भी इरेटेशन वगैरह नहीं होगा बाकी रिप्लेसेबल स्टेप है तो आप चेंज भी कर सकते हैं तो डिज़ाइन बिल क्वालिटी काफी अच्छी है इस वॉच की और यहाँ पर आई पी सिक्सटी सेवन की रेटिंग मिल जाती है तो लगभग एक मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज कर सकते हैं बात करें इस वॉच के डिस्प्ले की तो यहाँ पर वन पॉइंट एट वन इंच की काफी अच्छी क्वालिटी की आपको टी एफ टी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको टू फोर्टी बाय टू एक्स पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है तो डिस्प्ले काफी हद तक शार्प है और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छी खासी ब्राइट है और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी रही बात बेजल की तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में थोड़े से बेजल देखने को मिल जाते हैं जो कि उतने फील नहीं होते हैं और अगर आप डार्क वॉलपेपर लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें बाकी इसमें रोटेटिंग क्रॉन बटन मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करती है तो इसको रोटेट करके वॉचफेस को चेंज कर सकते हैं और स्क्रोलिंग वगैरह कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर रेस्ट वर्क फंक्शन भी दिया गया है जो कि रिस्पॉन्सिव है तो जैसे ही पेन को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी इसकी बाकी रही बात वॉचेस की तो इसमें आपको बिल्ट इन एलेवन वॉचेस मिल जाते हैं वॉच में जो कि अच्छी बात है और यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है अपलिकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको सौ से भी ज्यादा वॉचेस का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पर वॉचेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है उसके अलावा यहाँ पर आपको तीन तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है पहली है लिस्ट व्यू दूसरी है ग्रिड व्यू और तीसरी आपको हनीकॉम स्टाइल मिल जाती है जिसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की तो चलते हैं इसके मेन्यू में तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ सब एक्टिविटी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जैसे कि स्टेप्स हो गया कैलरी एक्सरसाइज ये सब डेटा वगैरह शो हो जाता है उसके बाद फ़ोन कॉल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट कॉल हो गया उसके बाद डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स का फीचर दिया गया है जिसमें आप अपने एड कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर हार्ट रेट हो गया स्लीप ट्रैकिंग ब्लड प्रेशर एस और एक्सरसाइज भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको वन प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं जिसमें आपको वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग योगा दुनिया भर के मोड्स दिए गए हैं और एक्यूरेसी की बात हम लोग आगे करेंगे उसके बाद चलते हैं तो यहाँ से आप एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर वेदर फोरकास्ट मिल जाता है जहाँ पर आपको सात दिन का वेदर शो हो जाता है बाकी मैसेजेस में जाएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं बट रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ए आई वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है तो वॉइस कमांड देकर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर कैमरा शटर का फीचर भी दिया गया है और यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर का फीचर मिल जाता है जहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी दिया गया है उसके बाद यहाँ पर अलार्म का फीचर मिल जाता है और वॉच से ही आप अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं ये मुझे काफ़ी सही लगा उसके बाद टाइमर हो गया स्टॉक वॉच और यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर भी दिया गया है और फाइंड फोन का फीचर मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको चार गेम भी मिल जाते हैं जिसको खेल आप टाइम पास कर सकते हैं और कुछ इस तरह के इसमें गेम दिए गए हैं बाकी लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि लोगों का फेवरेट फीचर है और इस पर आप आराम से गुला कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है और इसमें चलते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं और ऑटो स्लीप में जाएंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी सेकंड्स का टाइम मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है उसके बाद यहाँ से वॉटवेस को चेंज कर सकते हैं मीनू शेयर को चेंज कर सकते हैं और रिस्टर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं वाइब्रेशन एंड रिंग में तो यहाँ से मोड को सेट कर सकते हैं आपको रिंग भी रखना है वाइब्रेशन भी रखना है वो सब आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर म्यूट का ऑप्शन भी दिया गया है उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं और इसके वाइब्रेशन की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर डी मोड हो गया उसके बाद फोन ऑफ तो यहाँ से फीचर कौन ऑफ कर सकते हैं उसके बाद लो पावर मोड हो गया फोन रिसेट सिस्टम और अबाउट का ऑप्शन दिया है तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है रही बात इस वॉच की एक्यूरेसी की तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है सबसे पहले इसके पेड्रोमीटर की बात करें तो यहाँ पर मैंने हंड्रेड स्टेप्स लिए और इसने हंड्रेड काउंट किए उसके बाद मैंने उसी को कंटिन्यू किया और टू स्टेप्स लिए और इसने टू काउंट किए तो इसके स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है और अच्छे से वर्क करता है हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही है बिल्कुल मैच कर रही है ऑक्सीमीटर से तो हार्ट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें बाकी एसपी की बात करें तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी काफी एक्यूरेट आता है बट एसपी के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं रही बात ब्लड प्रेशर की तो आप लोगों को पता है कि बस फीचर ऐड करने के लिए दिया जाता है और वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है और स्लिप ट्रैकिंग की बात करें तो भाई इसकी स्लिप की एक्यूरेसी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी तो देखा जाए तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें बाकी ये कॉलिंग वॉच है तो इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है और दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्पीकर लाउड है और क्रिस्प आवाज आती है तो आराम से आप इससे बात कर सकते हैं बाकी जब कॉल आता है तो आप कॉल को पिक कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं और म्यूट कर सकते हैं और जब कॉल को पिक करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉल स्विच अच्छी बात है रही बात की तो, तो स्पीकर आपको काफी अच्छा मिल जाता है इसमें बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी भी है और मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला और यहाँ पर आपको डफ एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन पर नज़र डालें तो सबसे पहले पेश पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं जैसे कि हार्ट रेट हो गया स्लीप ट्रैकिंग ये सब डेटा वगैरह शो हो जाता है यहाँ पर उसके बाद दूसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ से वॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि वाटफेस हो गया उसके बाद नोटिफिकेशन अलार्म यहाँ से कॉन्टेक्ट्स को वॉच में ऐड कर सकते हैं और मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है उसके बाद लास्ट पेज पर जाएंगे तो वहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना गोल वगैरह सेट कर सकते हैं तो सिंपल सी एप्लीकेशन है और आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें अब बात करते हैं इस वॉच के यूआई की तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यूआई मिल जाता है और लैग नहीं करता है सबसे पहले ऊपर से डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाता है जहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं उसके बाद कॉलिंग फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर वाटर इजेक्ट का फीचर भी दिया गया है तो अगर आपकी वॉश में पानी चला गया है तो इसकी मदद से पानी को निकाल सकते हैं उसके बाद यहाँ से मेन्यू स्टाइल को चेक कर सकते हैं सेटिंग मिल जाती है और यहाँ पर टॉर्च का फीचर दिया है उसके बाद नीचे से शॉपअप करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं लेफ्ट साइड से शॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाती है जहाँ पर सारे फीचर्स दिए गए और राइट साइड से शॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि फ़ोन कॉल हो गया उसके बाद एक्टिविटी वॉइस असिस्टेंट हार्ट ट्रेड SpO2, टू उसके बाद प्लेयर और यहाँ पर आप अपने फेवरेट फीचर को ऐड भी कर सकते हैं उसके बाद डिस्प्ले टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचवेस को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से बाकी क्राउन को रोटेट करके भी वॉचवेस को चेंज कर सकते हैं और प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का यू दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा है अब लास्ट टेम आता है इस के बैटरी बैकअप पे तो इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है और आपको आराम से दो से ढाई दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा कॉलिंग फीचर के साथ बाकी अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको तीन से चार दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है जो कि देखा जाए तो अच्छा है अब आते हैं वार्डिक पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं तो इसका जो लॉन्च प्राइस है मतलब इसका जो प्राइस चल रहा है अभी वो है बाईस सौ निन्यानवे रुपये और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वॉच है ख़ास करके यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलती है डिस्प्ले काफ़ी बड़ी और शानदार है और आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं बाकी स्पीकर लाउड है तो आराम से आप इससे बात कर सकते हैं तो देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वॉच है और आप लोग ले सकते हैं रही बात कमी की तो यहाँ पर कुछ कमी भी देखने को मिल जाती है जैसे कि इसकी जो स्लीप ट्रैकिंग है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है और डिस्प्ले को जो बिजल मिलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं तो यही कुछ कमी भी है बाकी और आप लोग ले सकते हैं इस वॉच को और अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर ले सकते हैं बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वॉच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें बाय